हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिश बनाने जा रहे हैं जिसे कहते हैं मसूर पुलाव और कच्ची सरकी। ये मील बोहरी क्विजीन का एक पार्ट है, तो बोहरा समुदाय के हाउस होल्ड्स में ये बनता है। स्पेशली गर्मियों में कच्ची सरकी में बर्फ डाल के उसे चिल्ड करके सर्व किया जाता है। तो आइए बनाना सीखते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक रेसिपी, मसूर पुलाव और कच्ची सरकी। सबसे पहले 1.5 कप यानी 1.5 कप ब्लैक काली मसूर दाल को उबाल के रखा हुआ है। इसके पानी को भी हमने बचा के रखा है जिसमें इसे बॉईल किया था। अब हम लेंगे चावल। चावल मसूर दाल से डबल क्वांटिटी में लेंगे, तो 3 कप्स चावल लिए हैं और इसे हाफ कुक कर लिया है। अब हम एक पैन में तड़का लगा लेते हैं मसूर दाल में, तो उसके लिए हमने 2 चम्मच तेल में ज़ीरा डाला। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 इंच सिनेमम स्टिक यानी दालचीनी की स्टिक्स। इसे तोड़ के हमने डाल दी है। दालचीनी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हरी मिर्च। बोहरी लोग इतना ही मसाला खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते हैं, तो इतना ही बघार में काफ़ी है। लेकिन अगर आपको इसे और मसाले वाला बनाना है तो इसमें आप लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड कर सकते हैं, बट इसमें भी ये परफेक्ट लगता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी भर के बघार फ्राइड अनियंस। अनियंस जो मैंने पहले से फ्राई करके रखे हुए हैं वो डाला है हमने इसमें। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा टमाटर। तो 1 बड़े आकार का टमाटर था जिसे मैंने बारीक काट के इसमें डाला है। तो ये आपका मसाला रेडी है जिसे आप चावल के बीच में बिछाएंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं पुदीना, हरा पुदीना डाला है। अब इसे अच्छे से एक स्टर दे देंगे। अब देखते हैं हमारे चावल। आधे चावल को हमें एक अलग से बाउल में निकाल लेना है और बाकी के बचे हुए चावल को लेवल करके अब हम इसमें अपना मसाला बिछा देंगे। तो ये हमने जो मसाला रेडी करके रखा था मसूर दाल का मसाला, वो अब हम बीच में डाल देंगे। याद रहे ये मसाला बनाने के पहले हमने थोड़ी मसूर दाल निकाल दी थी क्योंकि अभी हमें कच्ची सरकी भी बनानी है। तो अब ये मसाले को जिस तरह बिरयानी के बीच में बिछाते हैं वैसे बिछा देना है। अब हम बचे हुए चावल इस पे फिर से स्प्रेड कर देंगे। आधे चावल जो हमने निकाल रखे थे उसे फिर से स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। अब इस पे 2 से 3 चम्मच शुद्ध देसी घी डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के अब इसे फिर से धीमी आंच पे थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि चावल और दाल ऑलरेडी कुक्ड है। अब आइए बनाते हैं कच्ची सरकी। इसके लिए हमने लिए काजू, 5-6 काजू के टुकड़े। ये हमने लिया है खसखस जिसे पॉपी सीड्स कहते हैं, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इसमें। अब हमने लिए हैं ग्राउंड नट्स या पीनट्स, मूंगफली, हरी मिर्च 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसको हमें पीस देना है, एक बारीक पेस्ट बना देना है इसका। ये देखिए इसे हमने बारीक पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बची हुई मसूर दाल। मैंने आपको कहा था जब हम मसाला बना रहे थे पहले ही हमने थोड़ी मसूर दाल बचा दी थी। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 चम्मच दही कर्ड। अब सेंधा नमक या काला नमक जिसे कहते हैं, 1 चम्मच जीरा पाउडर। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं। ये पानी आपको याद हो तो हमने जब बॉईल की थी काली दाल तब ये पानी बचा के रखा था उसका। अब इस पानी में हम इस पेस्ट को डाल देते हैं। जो हमने अभी पेस्ट बनाया था उसको हम इस पहले के बचे हुए दाल के पानी में ऐड कर लेते हैं। अच्छे से पानी मिला के ग्राइंडर जार से हम इसे पेस्ट को अच्छे से निकाल लेते हैं। ये देखिए अच्छे से बन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हरा प्याज। तो ग्रीन और वाइट दोनों पार्ट हम इसमें डाल लेंगे, बहुत बारीक काटना है। और अब हमें इसमें डालना है हरा धनिया, इससे बहुत अच्छा क्रंच आता है। ये देखिए बन के रेडी है। इसमें मूँगफली, काजू, खसखस और दही बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं।
इसे अब हम चिल्ड करने को रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में। अब तक हमारे चावल भी अच्छे से पक चुके हैं। अब हम एक चूल्हे पे कोयला गरम करने को रख देते हैं, कोल चारकोल, इसे हमने जलाने के लिए रख दिया है। अब चावल के बीच में हम एक कैविटी बना लेते हैं, ऐसे होल बना लेते हैं। ये हम कर रहे हैं ढूंगार, तो इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम ये सब तैयारी कर रहे हैं। अब ये कोल अच्छे से जलने लगा है। इसी के साथ हमने एक छोटे पतीले में थोड़ा घी गरम करने को रख दिया है, घी को पिघला लिया है। ये तीनों चीज़ें देखिए एक साथ हो रही है। अब कोयला गरम हो चुका है, इसे एक छोटी स्टील की कटोरी में डाल के इस पे से घी डाल देंगे। ये देखिए स्मोक आ गया। अब हम इसे तुरंत ढक देना है। बहुत अच्छा फ्लेवर आया है स्मोक का। जब तक इसमें से धुआं निकल रहा है तब तक इसे ढक के रखना है, जब तक कि पूरा राइस इस फ्लेवर को सोख ना ले। देखिए धुआं बंद हो चुका है, अभी लगभग 5 मिनट के बाद अब हमें इसे खोल लेना है। अब हमारे चावल स्मोकी फ्लेवर्ड है, तो ये स्मोकी फ्लेवर इसमें अच्छे से जा चुका है और अब हमारे चावल भी कम्प्लीटली रेडी है। हमारी कच्ची सरकी भी चिल्ड हो चुकी है और अब हमने इनको सर्व कर दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, इसे आप घर में ज़रूर 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 ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि ये कैसा बना। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है और आप और भोरी डिशेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छी अच्छी डिशेस इन्जॉय करते रहिए। थैंक यू।